हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। फाइनली आज स्पेशल राउंड 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि स्पेशल राउंड 3 कब आएगा। इसकी आने की आशंका तो आज सुबह 10 बजे ही था, लेकिन ये लेट होने की वजह से आज लगभग 2 से 1 बजे के करीब ये नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्पेशल राउंड 3 में क्या क्या इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फॉर्म को, और आपका अलॉटमेंट कॉलेज कब लिस्ट निकलेगा, आप माइनॉरिटी कोटा, इनहाउंस कोटा, ये सब में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आज मैं इस वीडियो में साफ साफ एकदम क्लियरली आपको और लाइव प्रोसेसिंग के साथ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं, आज का नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है स्पेशल राउंड 3 के बारे में। जैसे मैं 11th एडमिशन मुंबई में क्लिक किया तो मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन हुआ है। ये वेबसाइट अपने आप क्रोम में जाके ओपन कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं मुंबई डॉट, अगर आप मुंबई से अप्लाई करते हैं तो मुंबई डॉट लिखिएगा, अगर आप अलग जोन से अप्लाई करते हैं तो 11th एडमिशन जैसे लिखिएगा तो आपका जोन का भी नाम आ जाएगा कि आप कौन जोन से हैं। तो मैं 11thadmission.org.in, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद अपना जोन सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका जोन हो। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिश ऑन 6 अगस्त 2023। तो ये आज ही पब्लिश हुआ है, FYJC एडमिशन शेड्यूल फॉर स्पेशल राउंड 3। तो ये स्पेशल राउंड 3 के लिए आज ही पब्लिश हुआ है। तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये सब इसमें अभी आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप इसमें आप देख सकते हैं कैप, इनहाउंस, माइनॉरिटी कोटा, ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है कब से कब तक कर सकते हैं, तो ये आज 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक शाम के 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर अभी न्यू स्टूडेंट है, अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तो आप इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पार्ट 1 का फॉर्म भी भर सकते हैं, पार्ट 2 का फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं, माइनॉरिटी कोटा, इनहाउंस कोटा, ये सब में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक इसमें आप सब ये सब काम आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बिग अपडेट है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से कि आपको 2 दिन दिया जा रहा है। आज 6 तारीख है, 7, 8, लगभग 3 दिन दिया जा रहा है आपको। आज भी का दिन आपको जोड़ लेना चाहिए क्योंकि आज से स्टार्ट हो चुका है। तो 6, 7, 8 आपको 3 दिन दिया जा रहा है एडिट करने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, माइनॉरिटी कोटा और इनहाउंस कोटा में अप्लाई करने के लिए। नीचे आते हैं तो ये डेट प्रोसेसिंग फॉर कैप राउंड अलॉटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेकेंड नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 9 तारीख को ये प्रोसेसिंग में जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए ये पब्लिश ऑफ मतलब पब्लिश इसमें कब होगा, तो ये पब्लिश 10 अगस्त 2023 को आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा 10 बजे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोसेसिंग रहेगा, मतलब आप 6 तारीख से लेके आज से लेके 8 तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर 9 तारीख को ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा, फिर 10 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मतलब आपको किन से कौन कॉलेज में आपका नाम आया है वो आपको दिख जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में आपका नाम आया है। उसके बाद नीचे आते हैं तो एडमिशन कन्फर्म, कैप, इनहाउंस कोटा, माइनॉरिटी कोटा, बाईफोकल। एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि आप इसमें अभी जो राउंड 3 चल रहा है स्पेशल राउंड 3, इसमें भी आप स्पेशल राउंड 3 में भी आप इनहाउंस कोटा और माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कब से कब तक एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 10 तारीख से लेके आप इसमें 12 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 10, 11 और 12 बारह तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगभग 3 दिन दिया जा रहा है इसमें अप्लाई करने का, 3 दिन तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज अलॉट होने के बाद। तो चलिए जानते हैं कि इसमें फॉर्म एडिट कैसे करें, उस माइनॉरिटी कोटा में कैसे अप्लाई करें। आज मैं ये सब आपको लाइव प्रोसेसिंग बताऊंगा कैसे करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन का ऑप्शन, जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको पहले से मालूम है जो बच्चे के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है
वो लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन हो जाए। और जिन बच्चे के पास लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए हैं, या इस पर क्लिक के रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है और आपको सिर्फ राउंड स्पेशल राउंड 3 के लिए अप्लाई करना है, तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये बैक हो गया है, ये वापस से आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के नीचे आपको ग्रीन कलर में लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ये सब डाल लेता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आप लैपटॉप या टैब से ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एक डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आप मोबाइल से ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इस पर जैसे ये डैशबोर्ड ओपन होता है, नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आपको अभी आपका स्ट्रीम चेंज करना है, जैसे आप इससे पहले साइंस के लिए अप्लाई किए थे और आपका मन चेंज हो गया, आपको अगर कॉमर्स में जाना है, तो आप इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रीम चेंज करने के लिए सिंपली आपको चूज स्ट्रीम मीडियम में आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका परसेंटेज लिखा रहता है, नीचे आएंगे तो अगर आपको साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ये, अगर आपको साइंस चाहिए तो साइंस पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स पे क्लिक करके आप इसमें, जैसे मुझे कॉमर्स चाहिए और इंग्लिश पे क्लिक किया, चेंज करके उसके बाद सेव किया, तो यहाँ पे देखिए ये सेव हो गया। स्ट्रीम एंड मीडियम डिटेल सेव सक्सेसफुली यहाँ लिख रहा है। उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है चूज जूनियर कॉलेज का ऑप्शन आया, उस पर आके आप यहाँ पे जो भी कॉलेज चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे कोई कॉलेज चाहिए, जैसे मैं लिखता हूँ अकबर पी भाई कॉलेज और इसे मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद देखिए कॉलेज आ गया, कॉलेज में टिक करेंगे, ऐड सिलेक्ट जूनियर कॉलेज करेंगे और ऐड ओके करेंगे। उसके बाद सेव और नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो मैंने कॉलेज सिलेक्ट किया हूँ वो आ चुका है। और इसमें अभी मैं प्रिंसिपल, इसमें मैं इसका नंबर दूंगा कि मुझे कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है। अगर एक से ज़्यादा आप कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो वो कॉलेज आपको यहाँ पे शो होगा और ये आपको नीचे आएगा। तो अगर आप जिसको ऊपर रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, मेरे पास एक ही है तो एक ही क्लिक करूँगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ये टिक, इस ये टिक पर क्लिक करेंगे और टिक करने के बाद आपको लॉक ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो ये आपका फॉर्म लॉक हो चुका है और आपने इसमें एक कॉलेज डाल के आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको बस 10 तारीख का वेट करना है। 10 तारीख को आपको इसमें कॉलेज में नाम आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं एक कॉलेज डालूँगा और उसमें मुझे नाम आता है तो एक ही डालिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, आपको कम से कम 10 कॉलेज डालना ही चाहिए ताकि आपको पहले वाले में नहीं आया तो दूसरे वाले में आ जाए। इसीलिए आपको पूरे के पूरे आप इसमें एक बार में 10 कॉलेज डाल सकते हैं, तो 10 कॉलेज आप ज़रूर डालिए एक बार में। मैं तो आपको एग्जांपल के लिए मैंने एक कॉलेज आपको डाल के बताया हूँ। अगर आपको माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनॉरिटी कोटा में अगर आपको अप्लाई करना है, या फिर आपको इनहाउंस कोटा में अप्लाई करना है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी कोटा में जैसे मैं अप्लाई फॉर माइनॉरिटी कोटा आप क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं माइनॉरिटी कोटा में भी अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई किया था, वे ऑटोमेटिक अभी भी लॉक है। मैं इसको अनलॉक भी कर सकता हूँ और प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। तो माइनॉरिटी कोटा में आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अनलॉक करके आपको न्यू आपका, जैसे मैं अनलॉक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और कॉलेज ऐड करता हूँ, जैसे मैं महाराष्ट्र लिखता हूँ, जैसे मैं महाराष्ट्र लिखता हूँ, महाराष्ट्र, कॉलेज सर्च में नहीं आ रहा है। तो अगर कॉलेज सर्च में आता है तो आप देखिए कॉलेज आ गया सर्च में, यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ महाराष्ट्र कॉलेज लिख रहा है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी है जिसमें मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ओके करूँगा, उसके बाद लॉक ऑप्शन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप उसको यस करेंगे, यस करने के बाद ये लॉक हो जाता है।
और ये लॉक हो चुका है। तो आप इस तरह माइनॉरिटी कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें कैप राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि माइनॉरिटी कोटा में नाम कैसे आता है। तो मैं जो अभी तक ऑब्जर्व किया हूँ उसके मुताबिक माइनॉरिटी कोटा में आपका नाम कॉलेज में आपका नाम लिस्ट में आ जाता है और कॉलेज वाले आपको फ़ोन करते हैं कि आपका नाम आया है, कि आपको एडमिशन चाहिए। तो आप जो मोबाइल नंबर एप्लीकेशन जब ये किए थे रजिस्ट्रेशन, जो नंबर दिए थे उसी नंबर पे आपको कॉल आएगा। आपको मोबाइल नंबर चालू रखना है, ना कि बंद, कहीं कॉल आए माइनॉरिटी कोटा से या फिर कॉल नहीं आए और आपको वही कॉलेज में जाना है जो आपने माइनॉरिटी कोटा में चूज़ किए थे, तो आपको कॉलेज में जाना है और उनसे बात करना है कि मैंने माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई किया था, मेरा नाम आया है कि नहीं। उन कॉलेज में जाके आप मालूम कर सकते हैं। कैप राउंड का तो अलग से लिस्ट आता ही है, माइनॉरिटी कोटा का भी अलग से लिस्ट आता है। जैसे कि एक बच्चे के साथ हुआ था, उनका मिथी भाई भी नाम आया था, जो कैप राउंड में जो लिस्ट निकलता है कॉलेज अलॉट, जो आपको नाम दिखता है कि आपको ये कॉलेज में नाम आया, तो उस हिसाब से उसे मिथी भाई में नाम आया था और उनका माइनॉरिटी कोटा में उसने महाराष्ट्र में अप्लाई किए थे, महाराष्ट्र कॉलेज में माइनॉरिटी कोटा में। तो इस तरह उनको महाराष्ट्र कॉलेज से फ़ोन आया कि आपको एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने मतलब उनका एक दो ऑप्शन बन गया, एक तो माइनॉरिटी कोटा में जो डाला था तो उधर से भी फ़ोन आया कि आपको माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन चाहिए, या फिर कैप राउंड में जो उसका लिस्ट में नाम आया उसके पास वो भी ऑप्शन था। तो जो ऑप्शन उनको अच्छा लगा उन्होंने वो कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इस तरह आपको दो कॉलेज का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप माइनॉरिटी कोटा में डालते हैं। तो माइनॉरिटी कोटा में कभी भी नाम नहीं आता, आपको फ़ोन किया जाता है कॉलेज से कि आपका नाम आया है माइनॉरिटी कोटा में, आप एडमिशन करने के लिए आ जाइए। कैप राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट निकलता है जो आपको वेबसाइट पर दिखता है। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले राउंड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको 11th एडमिशन के पल भर के खबर से आपको आगाह कराएं और आपको जानकारी प्रोवाइड कराएं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करें, और हम अपने सब्सक्राइबर की पूरे सब्सक्राइबर की हर एक कमेंट को आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।